सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इकबाल, आप सबको नया साल आगाज़ में एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने बात की खुशियों से मेरे हाथ पांव झूम गए, कमाल है दमाल। और आई थिंक के कहते हैं कि नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और साथ ही रेजोल्यूशंस की, नए साल की जो बिल्कुल विश तो किया जाएगा सभी को, लेकिन जितने हम टारगेट बनाते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, एक हफ्ते तक रहता है, एक हफ्ते के बाद हम सब भूल जाते हैं, एक हफ्ते के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। और रिसर्च बताते हैं कि जितने हम टारगेट्स बनाते हैं, जो सेट करते हैं, उसमें से सिर्फ 4% हासिल होते हैं, ओनली 4%, ठीक है ना। लेकिन आई थिंक कोशिश करनी चाहिए कि ज़रूर उसे बिल्कुल जो आपने सोचा उसे अमल ज़रूर किया जाए। साथ ही आज कोई सवाल नहीं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि आपका 2019 कैसा गुजरा और 2020 में आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है ना। 2020 या कोई मेमोरी शेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिश आपने बनाई जो 2000 में आपने किसी आपकी हाथों से तैयार की गई रेसिपी सबको बहुत पसंद आई हो, या कोई अनफॉरगेटेबल मोमेंट भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नया साल मुबारक हो। रेसिपी शेयर करें आज फिश की। फिश ज़रूर ही खानी चाहिए, जैसे कि हमने बात की कि फ़िश के अंदर ओमेगा 3 होता है जो दिमाग के सेल को इन्हेंस करता है, तो फ़िश ज़रूर ही खानी चाहिए जी। तो फिश की और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करें। क्रिस्पी फिश सर, बल्कि रेसिपी का नाम है दोस्तों सरप्राइज फिश पोटैटो, ठीक है जी, जिसमें फिश भी है और आपको ज़बरदस्त क्रिस्पी आलू भी इसके अंदर आप इंजॉय कर सकेंगे। तो अज्जा देख लीजिए कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। नेस्ले एवरीडे की मिक्स चाय भी आज बिल्कुल करनी है तैयार। तो यहाँ पर फिश मौजूद है हमारे पास लगभग 600 ग्राम, ठीक है जी, 600 ग्राम फिश मौजूद है। फिश के हमने बिस्किट्स बना लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। रोहू, सुरमई, सरौल, कोई भी फिश आपको पसंद हो, हीरा, रेड स्नैपर, जो भी मछली आपको पसंद हो उसकी आपने इस तरह से बिस्किट्स बनवा लेने, इसे बिस्किट्स कहा जाता है, इस तरह से बोनलेस, ठीक है जी। बाकी दीगर अज्जा भी देख लीजिए और जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। दो अहम चीज़ें फिश हो गई, इसके अलावा आलू मौजूद है जी, 2 अदद आलू पोटैटोज जिसे हमने कद्दूकश कर लिए, ग्रेटेड कर लिया है, ग्रेटेड पोटैटोज मौजूद हैं 2 अदद। ये इसका और अच्छा फ्लेवर भी लाएंगे और मज़ा आएगा जब इसे आप इंजॉय करने जाएंगे। तो चलते हैं मैरिनेशन की जानिब, ठीक है जी। तो फिश में सबसे पहले ऐड करते हैं लेमन, नींबू, वो अज्जा है जो फिश का आई थिंक बेस्ट फ्रेंड है, सबसे फिश में बहुत अच्छा बल्कि मैजिकल फ्लेवर लाता है नींबू। लेमन लिया, इस तरह हल्का से आपने दबाया बहुत प्यार मोहब्बत के साथ, और फिर इस तरह से आपने इसे काट लेना है। एक एंड वन मोर, एक और लेमन रिक्वायर्ड होगा, उसे भी आपने इसी तरह काट लिया। फिश के अंदर ऐड करते हैं जी लेमन जूस, वन मोर लेमन, नींबू की खटास से बहुत मजे का फ्लेवर आएगा जी फिश में, साथ एक मजे की आलू की चाट भी बनाएंगे, तो मेन्यू यकीनन मजे का, ठीक है जी। तो लेमन ऐड किया नींबू के साथ ही, शामिल करते हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 और 2 चम्मच, नींबू अदरक लहसुन के बाद सोल्ट 1/2 चम्मच, हाफ टी स्पून नमक शामिल किया, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, याद रहे कि चाय का चम्मच और जरा सी और, सफेद जीरा
ये भी एक चम्मच। सफेद मिर्च, व्हाइट पेपर, काली मिर्च, ये भी आधा चम्मच लगभग शामिल किया। शामिल करने के बाद मिक्सर वेल अच्छी तरह से मैरिनेट कीजिए ताकि सभी चीज़ों का जायका फिश के अंदर तक रचे। और ये बहुत अहम चीज़ होती है, मैरिनेशन की यकीनन बहुत अहमियत है। फिश ज़रूर खानी चाहिए, न्यू ईयर नाइट पार्टी में भी आप डेफिनेटली बना सकते हैं। ये देखिए अब, ठीक है जी, एकदम चटपटी मछली हमारी बिल्कुल होने जा रही है तैयार। फिश मैरिनेट कर चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। नींबू, अदरक लहसुन, सफेद जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, सभी चीज़ ऐड करने के बाद मैरिनेट किया। और देखिए स्पाइसेस का रहा है जायका, ये इसके अंदर रचता जा रहा है। देखिए परफेक्टली से मैरिनेट किया। ऑयल बिल्कुल रेडी हो रहा जी, और आपकी कॉल्स भी लेंगे। ज़रूर बताइए कि 2019 में कौन सी आपने ऐसी रेसिपी बनाई जो पसंद आई हो, या कोई ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। एंड हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में आप सबको, ठीक है जी। तो मैरिनेटेड वेल, अब ज़ाहिर है एजिटेड जब आप फ्राई करेंगे तो अलीदा होगा, तो बाइंडिंग के लिए इसके अंदर ऐड करते हैं। क्रिस्पी और मज़े का बनाना है, लेकिन उससे पहले आलू मौजूद है जी, पोटैटोस ये जिसे हमने कद्दूकश कर लिया, ठीक है जी, ग्रेटेड पोटैटोस। आलू कद्दूकश करने के बाद से पानी के अंदर रखा था, जैसे कि आप जानते हैं इसमें होता है आयरन, ठीक है। तो अगर 5 मिनट भी अगर आपने बाहर रखा तो ये काले हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसका पानी एक्स्ट्रा ये निकाल लीजिए, ठीक है, बिल्कुल इसे आपने पानी निकाल देना है। और ये आलू ऐड करते हैं इसी फिश के अंदर, इसी तरह बाकी आलू भी। 600 ग्राम फिश में 2 आलू हम शामिल करें जिसे हमने कद्दूकश कर लिया था, फिर से इस तरह, ठीक है जी। फिश एंड चिप्स आपने देखा होगा 5 स्टार होटल में, बल्कि बाहर भी, एक यू इंग्लैंड की एक बहुत मशहूर चीज़ है रेसिपी, फिश एंड चिप्स, जिसमें आलू फिश के साथ चिप्स पेश किए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, फिश के साथ आप आलू का मज़ा भी इंजॉय कर सकेंगे, ठीक है जी। तो आलू इसके अंदर आपने शामिल किया, कुछ और भी पानी बिल्कुल निकाली, और ये आलू हमने फिश के साथ ही शामिल किया। ऐड करने के बाद फिर से कीजिए मिक्स ताकि आलू भी फिश के अंदर का फ्लेवर रच जाए। मैरिनेट इट वेल, परफेक्टली से मैरिनेट कीजिए, ठीक है जी। आलू में स्टार्च है, आलू से मजे का फ्लेवर भी आता है, और एक बहुत ही उम्दा फ्लेवर जी बनेगा इंशाल्लाह। साथ ही इसमें ऐड करते हैं 1 अदद अंडा, सिंपली 1, और ऐड करते हैं वाइट फ्लावर, मैदा 1-2-3 चम्मच, और शामिल करते हैं कॉर्नफ्लोर 1-2 चम्मच। ऐड करने के बाद कीजिए इसे फिर से मिक्स बहुत अच्छी तरह से ताकि ये फिश के अंदर का सभी चीज़ों का जायका अच्छा जाए। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी बात करते फिश की, तो आप सभी दोस्तों की फरमाइश प्याज बनाना, एनी ने कहा था, सूफिया ने भी फिश की बात की थी, इसके अलावा रेगुलर हमारे जो कॉलर्स उन्होंने भी कहा था मैरिनेटेड वेल, देखिए, ठीक है जी। इसके साथ एक मेरे ख्याल ब्रेक के जाने भी जाना है, और ब्रेक से वापस एक फिश फ्राई करनी है, और एक ज़बरदस्त हमने नेस्ले वीडी की चाय बनाएंगे, और साथ ही आलू की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस वक्त ब्रेक है मेरे ख्याल से, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम यहीं से कॉन्टिन्यू करते हैं। देखते रहिए शेफ 21, लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर शो दोस्तों। एक तो वेलकम बैक टू अवर शो, खुशामदीद कहते हैं, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में आप सबको। एंड बहुत शुक्रिया जो लोग हमें इनवाइट कर रहे हैं न्यू ईयर पार्टीज में, लेकिन आज किसी न्यू ईयर पार्टी में मैं नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा सकेंगे ज़ाहिर है, क्योंकि काम करना है, मेहनत करनी है, बात सची है। बहुत शुक्रिया आप सबको, न्यू ईयर मुबारक को ज़रूर बताएं आपका 2019 कैसा गुजरा और 2020 में 2020 कौन सा सब आप काम करना चाहेंगे जो 2019 में नहीं कर सके। ठीक है जी, और हमारे रिजवान भाई मौजूद, उनको भी सलाम। फिश की रेसिपी शेयर करें। ऑन द अदर हैंड मिक्स चाय के शौकीन अफराद के लिए आप कर सकते हैं मिक्स चाय तैयार, नेस्ले एवरीडे साशे से एक कप से तैयार कर सकेंगे आप 3 कप चाय। और एज फार एज प्राइस इज कंसर्न सिर्फ 15 रुपये में, ठीक है जी, सिर्फ 15 रुपये में आप हासिल कर सकते हैं नेस्ले एवरीडे, जिससे आप कर सकेंगे 3 कप चाय बिल्कुल तैयार। ठीक है जी, तो चलिए सबसे अहम चीज तैयार करते हैं जो है चाय। तो इसके लिए इस पॉट के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसी पॉट के अंदर ये सभी चीज़ें शामिल कर ली हैं, पत्ती, चीनी और इसे अच्छी तरह से कुक करने के बाद नेस्ले एवरीडे का मिक्स साशे का ये जो पैकेट है ये ऐड करते हैं इसी के अंदर। ठीक है जी, तो ऐड करते हैं ये पैकेट। खास बात ना सिर्फ कलर बहुत अच्छा, बल्कि एवरी सिंगल डे जिसके हम चाय जो हम बनाते हैं ट्राई करते हैं, बहुत मज़े की स्ट्रॉन्ग चाय बनती है। मिक्स चाय का मज़ा ये है कि स्ट्रॉन्ग हो, मज़े की हो, अच्छी पकी हुई हो, कलर अच्छा हो, और जब आप चाय इंजॉय करें तो मज़ा आ जाए। फिश के साथ इंजॉय कीजिए, डेफिनेटली मज़ा आएगा। ऐड करने के बाद इसे कीजिए अच्छी तरह से मिक्स इट वेल, और कुछ देर से मज़ीद कीजिए तैयार। ठीक है जी, पहले चाय निकाल लेते हैं उसके बाद फिश की जानिब, और फिर आपकी कॉल्स भी लेंगे। तो चाय जो हो चुकी है तैयार, बहुत शुक्रिया हमारे जो बहुत से दोस्त भी मौजूद होते हैं इस शो में एवरी सिंगल, थैंक यू सो मच यू ऑल। कितना मैं क्या बताऊं तेरे मिलने से, क्या मिला, मंजिल मिली, मुद्दा मिला और दिल का पता मिला। आपके मिलने से मैं बहुत कुछ मिला, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, प्यार का, जो टीवी पे मौजूद होते हैं या रेडियो की दुनिया में मौजूद होते हैं या सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं हमारे साथ। लेकिन आपने अपने प्यार से हमें खरीद लिया, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। चाय निकाल चुके हैं 1 कप में, और मजीद भी, यानी कि 3 अफराद के लिए चाय। ठीक है जी, और ये देखिए जरूर बताइए आप, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, 2019 कैसा गुजरा और 2020 में आप क्या काम करना चाहेंगे। ठीक है जी, और मैसेज आ चुका है जी रजा का, और उसका कहना है कि 2020 में शादी करने जा रहा हूं। ठीक है जी, मुबारक हो। चाय लिया उस तरफ, और फिश को करते हैं फ्राई, बल्कि यहीं रख लेते हैं। फिश के लिए देख लीजिए क्रिस्पी फिश एंड पोटैटो, और ये देखिए फिश के लिए हमने फिश के अंदर ये सब कुछ शामिल किया, आलू, स्पाइसेस, कॉर्नफ्लोर, मैदा और अंडा। चलते हैं फ्राइंग की जानिब, एक एक पीस आपने शामिल करना है। ये देखिए अब ठीक है जी, और अच्छा दोस्तों ये फिश इसमें शामिल करें। ठीक है जी, रिजवान भी कह रहे हैं उनको भी शादी बहुत बहुत मुबारक हो, जो लोग शादियां कर रहे हैं। वैसे दिसंबर में बहुत शादियां होती हैं, यानी कि अगले साल दिसंबर में ही होंगी ये फिकर। देखिए बाकी ये फिश हम सभी शामिल करते हैं एक एक कर। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना रखिएगा, वरना बाहर से कलर आ जाएगा पर अंदर से कच्ची रहेगी। और ये कोशिश कीजिए ये आलू जो है एक एक फिश पे इस तरह बाइंडिंग कर लीजिएगा अच्छी तरह, जो ज़रूरी है, बाइंड से जबरदस्त कर लीजिएगा। ये देखिए अब यहीं पे आपने इसकी कोटिंग की, और उसके बाद एक एक फिश फ्राइंग के लिए शामिल कर रहे हैं। ये चीज बिल्कुल गलत बात है कि जितनी ज्यादा ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो आपकी फिश जल्दी होगी, ऐसा नहीं है।
ठीक है ना। अहम बात ये है कि जितना आप कम ऐड करेंगे उतनी जल्दी फ्राई होगा, जैसे कलर आया आपने टर्न ओवर करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, इंतजार कीजिए। क्विकली अगर आपने कलर ना आया और आपने फिर टर्न ओवर किया तो जिसकी कोटिंग है वो निकल जाएगी। कुछ देर रुकिएगा ताकि इसके ऊपर स्टे करें, उसके बाद अब इसे बेशक टर्न ओवर कीजिएगा। फेसबुक पर है तो जरूर ज्वाइन करें, Chef21 के नाम से पेज है, मुझे तलाश कर सकेंगे अब इकबाल शेफ के नाम से, फेसबुक इंस्टा कहीं भी। ठीक है जी, कलर आए टर्न ओवर करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस हसनैन जी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। क्या बात है जी, और जी। क्या कहेंगी, कैसा गुजरा 2019? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ही अच्छा। हसनैन साहब ने तंग तो नहीं किया 2019 में? नहीं 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 क्या? नहीं नहीं चले अच्छी बने, यानी कि नए के वो बहुत नए के। जी जी बहुत नए। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहेंगी मिसेस हसनैन आप? मैं ये क्या कहूँगी कि अब दुआ करें कि अल्लाह ताला जो 2020 कल से स्टार्ट है, अल्लाह ताला सब के लिए, मुल्क के लिए, हर किसी के लिए सही रहे। दुआ कबूल होती है? जी बिल्कुल, अल्लाह का एहसान है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, कहते ना सच्चे दिल से दुआ कीजिए जरूर कबूल होती है। जी जी। और 2020 में क्या करना है, कुछ सोचा आपने? नहीं अभी तो सोचा नहीं, कल के बाद सोचूंगी। कल के बाद चलें। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें खुश रहें जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फिश और ये फ्राई, और ये देख रहे हैं कि ये कैमरे की नज़र से कोटिंग इसकी बहुत अच्छी आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना सिर्फ क्रिस्पी, आज से पहले आपने देखा होगा, बल्कि मेरे ख्याल से किसी भी टीवी शो में मैंने ही बनाया था, यहाँ बनाया था, उसके अलावा टीवी पर मैंने शेयर की थी रेसिपी कि ये फिश के ऊपर आलू की जो कोटिंग है, ठीक है ना, तो ये डिफरेंट चीज़ें, और ये बनाना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमसे पहले जो दुनिया में लोग आए हम भी वही काम करें, डिफरेंट भी कर सकते हैं। हुमा मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नहीं पता हुमा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह ताला। जी जी बहुत शुक्रिया हुमा, और हमें अंदाज़ा है कि आपकी ज़िंदगी में 2019 ज़रा हार्ड गुजरा, तकलीफ दे गुजरा। जी जी जी। लेकिन दुआ करते हैं कि 2020 बेहतर हो। हाँ आमीन आमीन, सबके अल्लाह ताला जिनके भी वालदेन हैं हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, आपके उनके तमाम टीम के लिए नेक तमन्नाएं हमारी, आप सब के लोगों के लिए उनके अल्लाह ताला खुशगवार गुजरे नया साल भी, और इसके अलावा अल्लाह करे कि नए साल का जो सूरज है तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए नई उम्मीदें और कामरानियाँ लेकर शुरू हो। आमीन 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 आमीन, एब्सोल्युटली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और हमारा केबल सर आ रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा भी आया था, फिर अभी केबल नहीं आ रहा। उसके अलावा बहुत कुछ थे 2019 में, आपसे, आपके शो से, आपसे मतलब पूरी क्या सीखा आपने हमसे 2019 में, क्या सीखा आपने हमसे? वैसे तो मैं बहुत कुछ से देखे आप, नई नई रेसिपी, नई नई डिशेज, लेकिन मैं चिकन स्टिक है खासतौर पर, चिकन चाउमिन है, सिंगापुरियन राइस, नहारी, आपने बहुत लाजवाब बहुत उम्दा बनाई, और मैंने बनाती हूँ तो ज़ाहिर बच्चा भी हस्बैंड भी पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारी आपकी मोहब्बतें प्यार हैं, और हमारी दुआ है कि आप 2020 में और स्ट्रॉन्ग और बेहतर जिंदगी हो आपकी भी। ठीक है जी, बस ये है कि इकबाल साहब आपका जो शो है मैं इतना यकीन जाने कि मुझे तो खैर अब काफ़ी अर्सा हो गया आपका शो देखते हुए, आपके लोगों से बात करते हुए, एक बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोग हैं, लेकिन बहुत कुछ मतलब हम लोग सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ हम सिर्फ डिशेज सीखते हैं, जो आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे भी पूरे वर्ल्ड का हमें पता लगता है, कहाँ मिट्टी खाई जाती है, कहाँ नहीं खाई जाती है। तो बहरहाल ये है कि गुड लक आपके लिए और बेस्ट विशेज आपके साथ हैं तमाम टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू उमा, खुश रहें, शादाबाद। दोस्तों फिश फ्राई हो चुकी है, और एक बात आपसे कहूंगा, 2019 में जो कुछ हुआ नहीं हाउ, ये फिश की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़े की, आपको बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े की। वजह क्या है? वजह ये नहीं कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फैक्ट ये कि इसके अंदर नींबू अदरक लहसुन का जायका रख चुका है,
और टॉप पर रिकॉर्डिंग आलू की बहुत मजे की। जब बाइट लेंगे ज़्यादा ठंडा कीजिए। रिस्क ले रहा हूँ, अपनी जान पे खेल के ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें। ये देखिए बहुत आला, चटपटी, मसालेदार। और गुजारिश है इसे गर्म खाइएगा, ठंडा करके ना खाओ। चटनी के साथ एंजॉय कीजिए और इतनी मजे की। चलिए बाकी भी फ्राई कर लेते हैं, फिर आलू की रेसिपी भी शेयर करनी हो। जितना आप पास जाके क्लोज जाके आप फ्राई करेंगे उतनी अच्छी ये फिश आपकी होगी फ्राई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको बहुत बहुत मुबारक हो नया साल और पुराना साल में जो जो भी खामियां हैं अल्लाह ताला सबकी वो दूर फरमाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से और मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम लोगों के इस चैनल को खासकर आपके प्रोग्राम को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। जी रुखसाना जैदी जी, आपकी आवाज़ आ चुकी है, कहाँ है इतने दिनों से आप। हाँ, 2019 के लास्ट दिनों में आप कम नजर आई हैं। जी इसकी एक वजह ये है कि बार दफ़ा मैंने बहुत ट्राई किया, लग नहीं पाई कॉल आपकी। कॉल्स तो माशाल्लाह से सिलसिला भी शुरू हो चुका है और दूसरी वजह कुछ ये भी हो गई कि हमारी बहन आई हुई थी सर्द इलाके से, तो वहाँ उनकी उनके साथ उनके पूरी फैमिली थी तो जरा देखते थे, लेकिन कॉल करना नहीं कर सके। चले माशाल्लाह दैट्स ग्रेट। और 2020 में क्या आप करना चाहेंगी? जी 2020 में हमारा तो पहले भी एम यही है कि जैसे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए ही बहुत कुछ सोचते हैं, तो जैसे यही हमारा पहले भी यही चल रहा था, अब और इसको मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लोगों को ये देखना चाहेंगे कि वो मुस्तहकम हो, एक दूसरे को ये ना कहें कि आप फलाना सूबे से ताल्लुक है फलाना सूबे से ताल्लुक है, बस हम पाकिस्तानी हैं, इस पे ही जोर देंगे और इसी तरह से लोगों को इकट्ठा रखेंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू रुखसाना जी, थैंक यू, खुश रहें, शाद आप बात रहें। दोस्तों फिश फ्राई हो चुकी है और इसके बाद आज के बाद जो हम शो पे पेश करेंगे तो इंशाल्लाह 2020 में दाखिल हो चुके होंगे। फिश हो रही है फ्राई, प्रोसेस बिल्कुल जारी है। जैसे ही कनाडा से टर्न ओवर कीजिए, ये देखिए आप जबरदस्त फिश को 2019 में एंजॉय करें, 20 में 21 में उतना ही मजा आएगा। ये देखिए आप, और एक चीज ये कहूंगा, अगर मुझसे बहुत से लोग कह रहे हैं क्या करना चाहिए, मैंने हमेशा ये माना है कि इन दी एंड बहुत ज्यादा काबिल लोग कामयाब नहीं होते, बहादुर लोग कामयाब होते हैं। हौसले की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जी, हौसला बहादुर, जितना दिल आपका ऊंचा हो, सोच ऊंची हो, उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदलती है, डर आपको नाकाम कर दे, बात तो सच है। सदब मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी सदब मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, खुशामदीद। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी, आपको आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक हो बहुत बहुत जी, खैर मुबारक। 2019 में जी ये कहना चाहूंगी, हाँ बोले, 2019 में आपने कितनी शादियां अटेंड की? मैंने तकरीबन ज्यादा तो नहीं, 2-3 की होंगी। नहीं 2-3 चलें ठीक है, इतना काफी है, यानी कि आपने अपना कोटा कंप्लीट किया, सही है। काफी एंजॉय किया, जो खानदान की शादी में आपको पता है काफी एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच बात है। और क्या कह रही थी फरमाइए? बस मैं ये कह रही थी कि 2020 शुरू हो रहा है तो इसमें जो है काफी मैं चाहूंगी कि हमारे जो पाकिस्तान में बहुत अमन अमान कायम रहे और मतलब सब लोग अच्छे से तरक्की पाए, आगे बढ़े। आमीन। और नई जी, और आपकी चैनल के लिए भी बहुत दुआएं हैं कि ये बहुत तरक्की करे, आपके लिए बहुत विश है, बहुत सारी ढेर सारी विश है आपके लिए भी, इंशाल्लाह तरक्की करे। शो तो आपका वैसे काफी अच्छा है माशाल्लाह से और ऐसे ही अच्छा रहे। शुक्रिया, आप जो ज्वाइन करती हैं रेडियो पे भी टीवी पे भी, खुश रहें सदफ, ऑल द वेरी बेस्ट। बस दुआओं की जरूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह। दोस्तों फिश फ्राई हो रही है, निकालते हैं, दीजिए ब्रेक। ब्रेक के बाद एक जबरदस्त आलू की रेसिपी शेयर करें, चाट की, जिसमें हमने इमली की खटास भी ऐड करनी है। लेट्स टेक अ ब्रेक,
ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। दूर रहकर भी अलविदा न कहना, यादों में रहना। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक टू अवर शो, खुश आमदीद कहते हैं जी। 2019 का लास्ट डे और चंद ही घंटे मौजूद हैं। 2019 दूर चला जाएगा, लेकिन इस ठंड की, सर्दियों की ठंड शामों में इस मछली आप इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा कॉल्स नहीं लेंगे, सिर्फ लास्ट दो कॉल्स लेंगे आपकी। ज़रूर बताइए 2019 कैसा गुजरा, इसमें क्या करना चाहेंगे। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फिश फ्राई हो चुकी है और इसकी बेस्ट बात ये है, इसके टॉप पर ये आटा नहीं है, ये आलू की कोटिंग है जी। देखिए अब क्रिस्पी पोटैटोज ऑन द टॉप ऑफ फिश, यम्मी टेम्प्टिंग फिश, स्पाइसी, नींबू की खटास, जैसे इस तरह रखते रहेंगे। बहुत गर्म है, एहतियात के साथ, बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ इस तरह रखेंगे। जी सरप्राइज पुट आउट ऑफ फिश, आप फिश पेश करेंगे, लेकिन उसके टॉप पर आलू भी मौजूद है। एक मजे का फ्लेवर है इसका। ज्वाइन कर चुकी हैं कॉल पे मिसेस खालिद, चलिए बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिसेस खालिद, कैसी हैं आप? मिसेस खालिद कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहां से कॉल किया आपने? मॉडल कॉलोनी कराची। कराची से जी, क्या कहेंगी आप, कैसी हैं, कुछ कहना है? अल्लाह का शुक्र, बस यही कि अल्लाह पाक आने वाला साल सबके लिए खुशियों और सेहत का हो, और खास करके पाकिस्तान के लिए, आमीन आमीन, आवाम के लिए बहुत अच्छा हो, आसानी वाला हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बोली, बिल्कुल दुआ करते हैं कि ऐसा ही सब कुछ हो इंशाल्लाह ताला, है ना। और 2019 आपका कैसा गुजरा? अच्छा रहा? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह खुशियों के साथ सनसेट देखा और बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, डेट्स ग्रेट हो गया जी। और क्या चाहेंगे 2019 में, हमसे क्या चाहेंगे, क्या हम पेश करें, ये कौन से खाने बनाएं? ये बस सर्दियों की अभी तो सौगातें हैं, हलवे बना लिए आपने, गाजर का हलवा, गाजर का और अंडों का हलवा जो कतली वाला होता है जी। वैसे हमने मिसेस खालिद काफी हलवे बनाए और वो अंडे का ही बनाएंगे इंशाल्लाह। आपका अपना नाम क्या है? नुजहत। नुजहत क्या मतलब है? नुजहत का नुजहत का मतलब है खुशबू। वाह वाह क्या बात है। चले नुजहत जी, खुशी भी आज आपसे बात करके, ठीक है? थैंक यू जी जी, मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज़। टॉप पर आपको एक चीज बताऊं, अंग्रेजी खानों की गार्निश आपको याद, पार्सले को कस्टर फ्राई करते थे हम होटल में। ये बात है 2008 की, कराची पीसी होटल में, लेकिन आज आपको याद दिखा दूं। सिर्फ धनिया इस तरह लिया और एक अंदर डिप क्यों फ्राई करना, ठीक है? क्रिस्पी कीजिए ग्रीन कोरिएंडर हरे धनियों को। ये वो गार्निश है जो रेस्टोरेंट होटल में होती है, बल्कि फाइव स्टार होटल में आपको नजर आएगी, घरों में आप नहीं करते।
और ये क्रिस्पी हरा धनिया जो क्रिस्पी देखिए कड़क हो चुका है एकदम, ये ऐड करते हैं फिश के टॉप पर इस तरह से। ओहो अच्छा लग रहा है देखिए, ठीक है जी। और कोरिएंडर के साथ ही लेमन, लेमन के रिंग्स ही रखे जाते हैं आपने देखा होगा ऑन द टॉप ऑफ फिश। उसके बाद आलू की चाट भी बना रही है, वक्त कम है जी, एक सिर्फ कॉल लेंगे मेरे ख्याल से और आलू की चाट बनाएंगे। लेमन रखेंगे ऑन द टॉप ऑफ फिश। तो दोस्तों ये क्रिस्पी पोटैटो फिश हो चुकी है तैयार। चलते हैं अगली रेसिपी की जाने में, जो है आलू की हमने बनानी है चाट। बॉइल्ड पोटैटोस मौजूद हैं आलू, दुनिया की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी, उबले हुए इसके पीसेस कर लेंगे इस तरह क्यूब। कोशिश कीजिए आलू उबालने के बाद छिलका पील ऑफ कीजिए, उबालने से पहले नहीं। और आलू उबालकर कभी भी ठंडे पानी में शामिल नहीं किए जाते, ठीक है, जिस तरह हम वेजिटेबल करते हैं या स्पैगेटी करते हैं, आलू नहीं होते पर आलू पानी पी जाएंगे। ठीक है जी, ये बॉइल्ड पुटो आलू जो काट लिए ये ऐड करते हैं इस बाउल के अंदर। और अब कुछ वेजिटेबल भी काट लेते हैं, ठीक है जी। तो चाट और सैलेड में प्याज बहुत अच्छी लगती है, वैसे सैलेड बना रहे हैं और आसान है, मजे की है। इमली की खटास इसमें अच्छी खासी जाएगी। तीन इसमें अहम इंग्रेडिएंट्स हैं, तीन अहम अज्जा जिसमें प्याज आलू और इमली टर्मेरिक, दो पीस और बीच से दो पीस के हम ना ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त, फोन पे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? हम ना मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देती हूँ, आपकी पूरी टीम को, आपको अल्लाह ताला हजारों खुशियां दिखाए, आपकी टीम को, आपको। आमीन आमीन, हम ना आपके लिए भी दुआएं हैं बिल्कुल। जी जी माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और 2000 यानी के बीच में भी मेरी चाहती कंटिन्यू है कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करें। और इंशाल्लाह सर्दियों जो आ रही है, जनवरी में ज्यादा सर्दी होती है, तो आप सर्दियों की यानी कि चीजें बनाएं, जैसे गुड़ के चावल है, हलवे हैं, जैसे गाजर का हलवा, अंडे का हलवा और लौकी का हलवा और सूप, ये तीन चीजें जैसे सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। जी जी हम ना एब्सोल्युटली जरूर बनाएंगे। नए 2020 में आप क्या करना चाहेंगी? हम तो आप हमसे डिमांड की हम क्या बनाएं, लेकिन आप क्या करने जा रही हैं? मैं बस यही कि मैं से जितना हो सकेगा मैं दूसरों की मदद करूंगी, मैं ये चाहती हूँ मैं दूसरों के काम आऊं जितना हो सकेगा और खुशियां बांटूं सब में। क्या बात है, हमने डेट्स ग्रेट हो गया माशाल्लाह, खुश रहो, शादो आबाद रहो। एंड थैंक यू इकबाल भाई, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। 2019 की लास्ट कॉल हो चुकी है रुखसत। ये धनिये की कुछ डंडियां भी हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है, वक्त बहुत कम है, क्विकली करना है तैयार। कल साथ ही पुदीना से भी चॉप कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आलू के अंदर ही ऐड करते हैं ये क्रिस्पी अनियन, धनिया, पुदीना और इमली इसमें अच्छी खासी जाएगी। ये देख रहे हैं इमली की खटास, वैसे ही दिल को ललचाए, बहुत थिक पेस्ट है इमली का, ही देखिए थिक पेस्ट है इमली का। वन कप इमली, इमली वाले आलू हैं जी।
स्पाइसेस सोल्ट हाथ से ऐड कीजिए, हसबे जायका, सफेद जीरा एक चम्मच और काली मिर्च एंड मिक्स इट वेल। एक टमाटर भी ऐड करते हैं। और साथ ही चाय भी हमारी बिल्कुल हो चुकी है तैयार, मिक्सर वेल। अच्छा साथ ही इस वक्त नहीं है इजाजत लेनी आपसे, लेकिन कुछ ग्रीन चिली भी शामिल कीजिएगा। हम मैं इस वक्त एक शामिल कर रहा हूँ, 4 से 5 हरी मिर्चें भी शामिल कीजिएगा। देन मिक्स इट वेल। ये देख रहे हैं इमली की खटास जो रचेगी आलू के अंदर, तो एक अलग ही सफर भी ले जाएगी आपको आलू के जायके पे। हेल्दी है, मजे कर। कोशिश कीजिए हर आलू का जब आप बाइट लें, इमली की खटास है और चाट मसाला, एक चम्मच चाट मसाला ऐड कर रहे हैं जी। इजाजत है 1, 2, 3 चाट मसाला भी ऐड किया। चलते हैं प्रेजेंटेशन की जाने। लॉन्ग ब्लेटर और इसमें निकाल लेते हैं ये हमारे इमली वाले आलू भी। देखिए हर बाइट में इमली है, कुछ ग्रीन चिलीज भी लगे, धनिया हो और चाट मसाला, एकदम चटपटा। ठीक है जी, और ये आलू भी आपको चाहे 2019-20 कोई भी ईयर हो मजा आएगा जब आप ट्राई करने जाएंगे। डेफिनेटली टेम्पटिंग। ऑन द टॉप जरा सा चाट मसाला। तो ये हो चुकी हैं दोनों चीज़ें तैयार। सफाई बहुत ज़रूरी जी, सफाई नफसी मान, बाकी चीज़ वो करते हैं रिमूव। चाय नेस्ले एवरीडे की ले आते हैं यहाँ, फिश देखिए, और आपसे लेते हैं इजाजत। ठीक है जी, आप सबको 2020 एडवांस में बहुत ज्यादा मुबारक हो, बल्कि आ ही चुका है मुबारक हो। खुश रहें, शादोआबाद रहें, मुझे दीजिए इजाजत। आप सबका शुक्रिया 2019 में साथ रहे। इंशाल्लाह अगर ये सांसों ने वफा की जिंदा रहे तो कोशिश करेंगे 2020 में बेहतर शोज करें, अच्छा काम करें, सीखें। एक चीज कहूंगा, जिंदगी में सबको खुश करने की कोशिश ना करें। जब आप सबको खुश करेंगे एक वक्त आएगा आप खुद दुखी हो जाएंगे। अपने लिए जिए, खुश रहें, शादोआबाद रहें। हैप्पी न्यू ईयर मेरी जानिब से, हमारी पूरी ग्रेट टीम की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टीम। खुश रहें, शादोआबाद रहें। हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड।